गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल चिल्ड्रेन। यू ऑल आर रेडी? यस सर। मोस्ट वेलकम इन दिस इंग्लिश क्लास। टुडे वी विल लर्न अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अंडरस्टैंडिंग? यस सर। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस आई वुड इन्फॉर्म यू अबाउट सम नीडेड इंफॉर्मेशन। दैट इज टुडे इज 31st of July 2020। डे इज फ्राइडे। वी हैव टू स्टडी इंग्लिश ग्रामर। टॉपिक विल बी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड इज एप्लीकेबल फॉर ऑल सीनियर क्लासेस, राइट? सो विदाउट एनी फर्दर डिले वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट। दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इन हिंदी। इट्स आइडेंटिफिकेशन इज रहा है, रही है, रहे है। एट द एंड ऑफ हिंदी सेंटेंसेज लाइक मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द स्कूल। वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग। तुम पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग। दैट मीन्स सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस भर प्लस आई एन जी। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दैट मीन्स सेंटेंसेज हैविंग इज एम आर प्लस भर प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट स्टैंड फॉर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। टू क्लियर दिस वेरी कॉन्सेप्ट आई हैव अरेंज्ड ऑल द रूल्स इन प्रॉपर सेक्शंस। जस्ट गो थ्रू इट। In order to form the present continuous tense, we add present participle to is, am, or are. In Hindi, present continuous tense के वाक्यों को बनाने के लिए हम helping verb is, am, are का प्रयोग करते हैं और उसके आगे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज करते हैं, यानी भर्ब में आईएनजी लगाते हैं। द प्रेजेंट पार्टिसिपल इज फॉर्म बाय एडिंग आईएनजी टू द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनते हैं? तो भर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बनते हैं। नेक्स्ट, इज इज यूज्ड विद ही, शी, इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मीन्स राम, श्याम, मोहन, राजीव, अभिनव, अनुभव एक्सेट्रा। एम इज यूज विथ आई एंड आर इज यूज विथ वी यू। एम का प्रयोग आई के साथ किया जाता है और आर का प्रयोग वी यू दे और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। प्लुरल फॉर्म्स जो भी हो सब्जेक्ट का उसके साथ यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, सी सिंगिंग ए सॉन्ग, सी के साथ इज लगा है। अगर यहाँ पर कोई लड़का गाना गा रहा होता तो ही सिंगिंग ए सॉन्ग होता। बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, बर्ड्स प्लुरल है इसलिए इसके साथ आर का प्रयोग हुआ है। आई एम राइटिंग ए स्टोरी, ये इसके एग्जाम्पल है। फिर इसके नेक्स्ट रूल के हिसाब से हमने सजाया है, इसे देखें। इन इंटरोगेटिव फॉर्म द हेल्पिंग वर्ब इज यूज बिफोर द सब्जेक्ट, इज एम आर प्लस, दैट इज स्ट्रक्चर विल बी इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। एज फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे है सी सिंगिंग ए सॉन्ग। अगर इसका हम जानना चाहते हैं क्या हुआ गाना गा रही है, तो इसका होगा इज सी सिंगिंग ए सॉन्ग। बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं तो ये होगा आर बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। आई एम राइटिंग ए लेटर, इसका अगर इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं तो एम आई राइटिंग ए स्टोरी, एम आई राइटिंग ए स्टोरी, ऐसा इंट्रोगेटिव होगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, आर यू गोइंग होम, इज शी गोइंग टू द मार्केट, एम आई नॉट केयरिंग यू,
At the end of such sentence, there must be sign of interrogation, and at the beginning of the sentence, there must be helping verb like is and are. That is the identification of present, interrogative form of present continuous sentences. Third, in negative form, we add not between the principal verb and the operative helping verb. Consequently, the structure will be subject plus is oblique am oblique are plus not plus verb plus ing plus object, so on. Example, she is not writing a letter. I am not going to meet anybody. Farmers are not plowing their fields. इस तरीके से हम जब not का प्रयोग करते हैं, negative sentence बनाते हैं, नकारात्मक sentence बनाते हैं, तो हमारा structure इस प्रकार का होता है. यानी subject plus is oblique am oblique are plus not plus verb plus ing plus object. इस प्रकार से हम देखते हैं कि present continuous tense की तीन अवस्थाएं, जिसे क्रमिक रूप से इस प्रकार सजाया गया है. आगे हम इसके यूजेज को जानेंगे. व्हाट आर द यूजेज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस? एंड टेंस मींस यू ऑलरेडी नो, टेंस मींस टाइम ऑफ एक्शन. यूजेज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज एज अंडर. इट इज यूज्ड विद द वर्ड्स लाइक एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, now, nowadays, still, etc. And in the following cases, यानी कि जब हमारे इन शब्दों का प्रयोग करने की स्थिति बनती है, जैसे at this time, at present, at the moment, now, nowadays, still, तो हम present continuous tense का प्रयोग करते हैं. और इसके निम्नलिखित उदाहरण है, जैसे to describe an action in progress and or the continuity of the action. अगर किसी कार्य की, किसी क्रिया की सततता को हम दर्शाना चाहते हैं, तो हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना पड़ता है. एग्जांपल, द गर्ल्स आर सिंगिंग ए कोरस. नेक्स्ट, द वेल इज वर्किंग. द डक्स आर स्विमिंग इन द पॉन्ड. दूसरी कंडीशन क्या है? टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन प्रोग्रेस बट नॉट नेसेसरीली एट द टाइम ऑफ इट्स कंप्लीशन. कि कोई कार्य आगे बढ़ तो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस समय बोल रहा हूँ उसी समय वो काम घटित हो रही हो. तो ऐसी स्थिति में कैसे कहते हैं? एग्जांपल है, इंडिया इज एक्सपोर्टिंग ओनियन टू द मिडिल ईस्ट. भारत जो है मिडिल ईस्ट को प्याज एक्सपोर्ट कर रही है. तो इसमें ये सेंस लगता है कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग नहीं, इसमें फ्यूचर वर्क भी हो सकता है. सो इट इज टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन प्रोग्रेस बट नॉट नेसेसरली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. एग्जांपल सेकेंड, व्हाट आर यू राइटिंग दिस डे? इन दिनों आप क्या लिख रहे हैं? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सिचुएशन है. व्हाट आर यू राइटिंग दिस डे? इस कंडीशन में आप देख सकते हैं किस तरीके का सेंस स्पष्ट होता है. तो वो स्पष्ट होता है कि इट इज नॉट सर्टेन दैट द राइटर इज राइटिंग एट द मोमेंट बट इज श्योर टू राइट. नेक्स्ट, आई एम राइटिंग ए बुक ऑन मैथमेटिक्स. आई एम राइटिंग ए बुक ऑन मैथमेटिक्स. ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है जो एक सेंस को स्पष्ट कर रहा है. सेकेंड, टू एक्सप्रेस एन एक्शन डेफिनेटली प्लान्ड फॉर द नियर फ्यूचर. और जो योजनाएं, जो प्लानिंग भविष्य के लिए भी सुनिश्चित हैं, उसको स्पष्ट करने के लिए भी इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना पड़ता है. जैसे, आई एम नॉट गोइंग टू दिल्ली टुमारो. कल मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूँ. इन हिंदी, आई एम नॉट गोइंग टू दिल्ली टुमारो. तो इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्प लिया गया है, लेकिन इसका सेंस फ्यूचर का है, भविष्य काल का है. नेक्स्ट, वी आर होल्डिंग ए सेमिनार नेक्स्ट मंथ. वी आर होल्डिंग ए सेमिनार नेक्स्ट मंथ मतलब कि कहना चाह रहा है कि अगले माह हम लोग
सेमिनार लेने जा रहे हैं अगले माह, तो फ्यूचर टेंस को स्पष्ट करने के लिए भी इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से हम इसके विभिन्न प्रयोग को सीखे, स्ट्रक्चर को सीखे और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव स्ट्रक्चर की ज्ञान प्राप्त किए और इसके हम अन्य प्रयोगों के बारे में नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। और ये हमारा होमवर्क है, मस्ट नोट इट डाउन एंड गेट इट चेक सो दैट यू कैन डू बेटर इन कमिंग यूनिट टेस्ट। दिस इज सफिशियंट फॉर दिस क्लास। सी यू इन नेक्स्ट क्लास। ऑल द बेस्ट। सी यू इन नेक्स्ट क्लास विथ न्यू टॉपिक्स।